Hello students, today we'll be discuss about the molecular basis of inheritance. Today we'll be discuss about the molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. Students, molecular basis में of inheritance में basically होता क्या है इसमें देखिए. Basically हम लोग ऑलरेडी जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस क्या होते हैं. आज हम लोग इसमें बहुत सारी चीज पढ़ेंगे. एक नया टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे जो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है उसमें स्टडी करेंगे. न्यूक्लिक के साथ ही साथ अगर देखा आता है कि इसका न्यूक्लिक में जो आप थोड़ा सा इसके कंटेंट्स देख लेते हैं. कंटेंट्स में क्या क्या है इसका कंटेंट्स में जो सबसे पहले स्टूडेंट्स नाम से ही मैं इसको मालूम होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो जो स्टडी करने का जो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या होता है वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे. डिटेल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ ही साथ इसमें जो इसका जो दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड में इसका इसके बारे में हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी करेंगे. न्यूक्लिक एसिड है इसके न्यूक्लियोटाइड इसके साथ साथ इसी के अंतर्गत जो पार्ट होगा हम लोग डीएनए आरएनए भी पढ़ लेंगे. डीएनए आरएनए के साथ साथ स्टूडेंट्स जो हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे. डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे. डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ साथ टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे. इसके साथ ही साथ डीएनए क्या होता है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इसके बारे में स्टडी करेंगे. जेनेटिक मटेरियल के साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दूसरा डीएनए जो होता है इसके जो क्रोमोसोमल इसके क्रोमोसोम के भी डीएनए एज ए क्रोमोसोम इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे. इसके साथ साथ जो रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन भी स्टडी करेंगे. रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. इसके साथ साथ जो होता है बेसिकली इसका देखा जाता है पैकिंग ऑफ डीएनए के साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसमें सेंट्रल डोगमा के साथ ही साथ स्टूडेंट देखते हैं. सेंट्रल डोगमा इसके साथ साथ ओपेरॉन मॉडल इसके हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट
ये सारे चीज जो है स्टूडेंट्स हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसके साथ अगर देखा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारे जो बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो योगदान होता है, जैसे कि नाम इससे क्लियर होता है कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी यह जो होता है कि हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है न्यूक्लिक एसिड के जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखते हैं जो एक आता है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट कि एक इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो इनहेरिटेंस में अगर देखा जाता है बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, अगर इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो डिजीज होता है या कोई फैक्टर्स होता है या एलियंस होते हैं वो क्या करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने का कार्य करता है। इटनेस जो होता है यह क्या बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जाने का कार्य करता है। इस तरीके से अगर देखा जाता है कि यह जो होता है यह एक हेरिडिटी मटेरियल के फॉर्म में यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब यहां पर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, यह इतना हो गया इसका टॉपिक। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। इसमें देखा जाता है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टी की अगर बात कर लेते हैं, अगर इसमें देखते हैं स्टूडेंट एक वर्ड है इनहेरिटेंस, हमने बताया कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि यह जो होता है बेसिकली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कोई भी जो स्पेशल इसका जो ट्रेट्स होते हैं उसको कैरी करने का कार्य करता है। ये कैरी होता है हमारे जीन के फॉर्म जीन के लेकर के। अगर हम यहां पर बात करते हैं बेसिकली अगर यहां पर देखा तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो जीन क्या होते हैं, अगर देखा था अगर जीन की बात करेंगे तो बोला जाएगी यह एक डीएनए का पार्टिकल होता है या क्रोमोसोम का पार्टिकल होता है। क्रोमोसोम क्या होता है यह भी क्या होता है ये डीएनए का पार्टिकल होता है। डीएनए क्या होता है ये न्यूक्लिक एसिड का पार्टिकल होता है। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड में क्या पाए जाते हैं तो ये इसका न्यूक्लिक एसिड में अगर देखा था ये बहुत सारे पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वो सभी पॉलीमर मिलकर के फंक्शनिंग करते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाता कि जो हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्या होता है पॉलीमर के फॉर्म में बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो होता है जो प्रॉपर्टी होता है, अगर देखा जाता जेनेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, अगर जेनेटिक मटेरियल के लेकर देखा जाता है क्या होता है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन। ये क्या होता है सबसे पहले क्या होता है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है यह रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेप्लिकेशन ये रेप्लिकेशन में क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या ऐसे कह सकते हैं इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन, इट शुड बी should be able to replication, replication ये क्या होता है ये replication के लिए ये able होता है, ये important role उसमें करता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि यह जो होता है एक तरीके से mutational के condition में ये क्या होता है mutational के condition भी important role play करता है। तो यहां पर जो होता है यह म्यूटेशनल इनहेरिटेबल में म्यूटेशनल इनहेरिटेबल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला होता है रेप्लिकेशन में, दूसरा होता है म्यूटेशन में। अगर हम बात करते हैं क्या होता है ये म्यूटेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूटेशन में। अब इसके साथ साथ अगर देखा जाता है
जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ये तीसरा जो फैक्टर्स होता है वो ट्रांसलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर भी ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू ट्रांसलेट, ये क्या कहता है, शुड बी एबल टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में। और ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ये क्या करता है, बेसिकली ये क्या ट्रांसफर टू द इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ट्रांसफर टू द इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर टू द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि यहां पर भी अगर देखा था तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन मेथड के द्वारा क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। यहां पर दो होता है, अगर इसका देखा रेप्लिकेशन की कंडीशन होती है, दूसरा क्या होता है रेप्लिकेशन के साथ साथ अगर देखा तो म्यूटेशन की कंडीशन इसमें होता है, म्यूटेशन के साथ साथ अगर देखा तो ये ट्रांसक्रिप्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से अगर देखा था स्टूडेंट, ये बेसिकली थ्री फैक्टर्स फॉर जो जेनेटिक मटेरियल ये फंक्शनिंग करता है। आगे इसके बहुत सारे डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली अगर न्यूक्लिक एसिड का कैसे होते हैं, डिस्कवर किया किसने होते हैं। अगर यहां पर देखा आता है, सबसे पहले अगर न्यूक्लिक एसिड का जो डिस्कवर होता है, न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर अगर देखा आता है, या मिस्टर ने क्या होता है, न्यूक्लिन को, न्यूक्लिक एसिड क्या था बेटा, यफ मिशर, फ्लेमिंग मिशर, यफ मिशर ने क्या किया था, इन्होंने से इसमें एक सब्सटेंस को डिस्क्राइब किया था, एक सब्सटेंस को डिस्कवरी किया था। अब इस फर्स्ट सेल में अगर देखा आता है, बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कवर किया फ्रेडरिक मिशर फर्स्ट सेल में, ये फर्स्ट सेल क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, जो इसमें इन्होंने डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर, इसे क्या कहते हैं को फ्रेडरिक मिशर कह सकते हैं, फ्रेडरिक मिशर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेल क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, डेट डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। इस फर्स्ट सेल से क्या किया था, एक वर्ड इसमें न्यूक्लिन का सब्सटेंस डिस्कवर किया था, इसमें जो था फर्स्ट सेल से इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लिन दिया था, यानी एक फर्स्ट सेल से डिस्कवर किया था, फर्स्ट आप देखा था फर्स्ट सेल से इन्होंने किया था, ये बेसिकली डिस्कवरी किया था कि यह क्या होता है कि फर्स्ट सेल से न्यूक्लिन नामक सब्सटेंस को डिस्कवर किया था, और इसी से इनका नाम पड़ा था न्यूक्लिक एसिड। अब चूंकि यहां पर अगर न्यूक्लिन जो होता है एक ऐसा होता है फर्स्ट सेल के फॉर्म में क्या होता है, ये एसिडिक नेचर में होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है, एसिडिक फॉर्म का मतलब होता है कि अगर केमिकली इसका देखा था, जो केमिकल सब्सटेंस किया था वो कैसा था, वो एसिडिक था, यानी अगर इसमें क्या था, जो इसमें अगर देखा था जो न्यूक्लिन में एक फास्फेट ग्रुप था, इसमें फास्फेट ग्रुप को पाया, तो इस तरीके से क्या था, इसके नाते इसका क्या नाम था, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया।
एफ मिशन ने क्या किया था, फर्स्ट सेल से डब्ल्यूबीसी से जो फर्स्ट सेल से न्यूक्लियन सब्सटेंस को डिस्क्राइब खोजा था, डिस्कवर किया था, और उसी के आधार पर क्या क्या था, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। अब इसका जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये हमें बताया कि इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक फॉर्म होता है, इसलिए एसिड के फॉर्म में कहते हैं। अब इसके साथ ही साथ जो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मिशन डिस्कवर्ड जो क्या किया था इन्होंने, इसमें जो डीएनए टर्म दिया था, सेकेंड होता है डीएनए टर्म गिवन बाय जैकेरियस, डीएनए टर्म जो दिया था उन्होंने क्या दिया, जैकेरियस नाम दिया था। डीएनए टर्म को किसने दिया था, जैकेरियस नाम दिया था। यानी एक जो जो था फर्स्ट क्या है, एफ मिशन ने न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर किया था, थर्टीन मिशन है, उसके साथ क्या था, डीएनए का जो टर्म दिया था गिवन किया था वो कौन थे, जैकेरियस ने किया था। अब जो होता है बेसिकली न्यूक्लिक एसिड कैसे होते, टू टाइप्स के होते हैं। अगर देखा जाता है न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप होते हैं, टू टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है डीएनए और दूसरा होता आरएनए, ये टू टाइप के फॉर्मेशन होते हैं। अब स्टूडेंट देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो न्यूक्लिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है कैसे पाया जाता है, इसमें देखते हैं स्टूडेंट। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से कह सकते हैं। अब इस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिकली अगर देखा था, इसमें थ्री टाइप्स के पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पहला होता है, इसको देखा था थ्री ग्रुप में डिवाइड किया गया है, थ्री ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट में अगर देखा था इसमें क्या कहता है, नाइट्रोजन बेस, इसमें होता है नाइट्रोजन बेस। सेकंड जो इसका फॉर्म होता है वो होता है पेंटोज सुगर। और थर्ड जो फॉर्म होता है इसका फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। अब इसमें देखा था जो नाइट्रोजन बेस होता है, ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये भी अगर देखा था ये टू टाइप का होता है। नाइट्रोजन बेस कैसे होता है, टू टाइप का। पहला होता प्यूरीन बेस, दूसरा होता पाइरीमिडीन। अब प्यूरीन बेस में देखा था स्टूडेंट्स ये कैसा होता है, टू टाइप्स का होता है, ये भी आ गए एडिनाइन एंड गुआनाइन। इसे डिनोट करते हैं बेटा ए से, इसे करते हैं जी से। इसी तरीके से स्टूडेंट देखा जाता है पिरिमिडीन बेस होता है, ये थ्री टाइप का होता है थायमिन, साइटोसिन,
यूरेसिल, इसे डिनोट करते हैं टी से, इसका सी से और इसे यू से। पेंटोज शुगर की अगर बात कर लेते हैं स्टूडेंट, पेंटोज शुगर ये कैसे होते हैं, ये भी टू टाइप्स का होता है। पहला अगर देखा आता है ये राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर को स्टूडेंट अगर देखा आता है ये इसमें आगे हम लोग आरएनए की स्टडी करेंगे और इसमें हम डीएनए का स्टडी करेंगे। स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट होता है इसका फास्फोरिक एसिड, थर्ड पार्ट होता है इसका फास्फोरिक एसिड, इसे H3PO4 कहते हैं। ये फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। अब देखा आता है बेसिकली स्टूडेंट अगर बात करते हैं फास्फोरिक एसिड का, ये क्या होते हैं फास्फोरिक एसिड के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, फास्फोरिक एसिड में बेटा फास्फोरिक एसिड ये POOP OH HOOS। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका देखते हैं ये क्या होता है, बेसिकली P O AB क्या होता है O, यानी अगर देखा होता है ये बेसिकली इसको अगर हम लोग देखते हैं कि ये कैसा होता है PO4 की कंडीशन होता है, और ये PO4 कैसा होता है H आयन, जब इसको निकलते हैं ये कैसा होता है, ये PO4 आयन के फॉर्म में होता है, PO4 आयन के फॉर्म में होता है फास्फेट आयन, ये बन जाएगा फॉस्फेट आयन हो जाता है। ये फास्फोरिक एसिड से H3PO4 के साथ साथ क्या होता है ये फास्फेट आयन बन जाता है। तो यहां पर ये हम लोग इस फास्फोरिक के आगे और डिटेल स्टडी करते हैं, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अब जो होता है स्टूडेंट अगर हम बात कर लेते हैं, अब इसका दूसरा जो कंडीशन होता है, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, हमने बताया कि इसमें जो न्यूक्लिक वर्ड्स होते हैं, हमने क्या होता है न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है एक तरीके से यह एक हमारे न्यूक्लियस में पाया जाने वाला सब्सटेंस होता है जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होता है। और इसको अगर देखा था अल्टमैन ने 1901 में इसको क्या था डिस्कवर किया था, अल्टमैन ने इसको भूल गए थे बेटा, अल्टमैन ने 1809 में डिस्कवर किया था, अल्टमैन न्यूक्लियस इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर अल्टमैन ने 1809 में डिस्कवर किया था। अब हमने बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे देखा था न्यूक्लिक एसिड का भाग कुछ ये इनसाइड होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट खुले होते हैं, कुछ जो होते हैं कवरिंग शीट में होते हैं। तो यह जो होता है प्लांट प्लांट में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, अगर इसको देखा जाता है माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं, इसके साथ ही साथ न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। यह जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में इन्वॉल्व होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमने बताया कि यह जो होता है बेसिकली टू फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है यह पॉलीमर फॉर्म में होता है, पॉलीमर फॉर्म में होता है, और इसके पॉलीमर फॉर्म में हमने बताया कि पॉलीमर फॉर्म में ये इसके थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, नाइट्रोजन बेस होता है पहला, सेकेंड होता है इसको देखा था फर्स्ट होता है नाइट्रोजन बेस,
सेकेंड होता है पेंटोज शुगर एंड थर्ड होता है फास्फोरिक एसिड। अब नाइट्रोजन बेस जो होता है इसमें भी होता है टू पार्ट में डिवाइड, फर्स्ट होता है प्यूरिन बेस, सेकेंड होता है पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन बेस ये अगेन टू टाइप में होता है, फर्स्ट होता है एडेनिन, सेकेंड होता है ग्वानिन। जबकि पिरिमिडिन जो होता है ये थ्री टाइप का होता है, फर्स्ट थायमिन, ये होता है साइटोसिन एंड ये होता है यूरेसिन। तो इस तरीके से ये थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो ये टू पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट होता है राइबोज शुगर एंड सेकेंड होता है डी ऑक्सीराइबोज शुगर एंड थर्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड, इट इज फॉर्म बाय द फॉस्फेट आयन H3PO4। H3PO4 जो होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलते हैं तो क्या होता है फॉस्फेट आयन में चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाता है बेटा ये पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो प्राइमरी जो ब्रिज का भाग होता है, अगर देखा जाता है जो हिस्ट्री क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट आर बिल्डिंग जो इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होता है इसका प्राइमरी फॉर्म में, इसका क्या होता है इसके कंडीशन में देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर लेवल स्ट्रक्चर को इसको टू पार्ट में डिवाइड होता है। जो प्राइमरी इसका भाग होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसके टू कंडीशन में रहते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट फॉर्म में, हमने बताया कि जो पहला फर्स्ट स्टेप में होते हैं वो कैसा होता है, ये मैक्रोमॉल न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है मैक्रोमॉलिक्यूल होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का भाग होता है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्म होते हैं ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दूसरा इसमें हमने बताया कि इसका पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड से इसका फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा सेकेंड पार्ट देखते हैं। पेंटोज शुगर जो होता है न्यूक्लिक एसिड का जो भाग होता है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर क्या होता है पेंटोज शुगर के टू टाइप होता है, हमने देखा था। पेंटोज शुगर की बात करते हैं, पेंटोज शुगर में ये टू टाइप के कंडीशन में होते हैं। टू टाइप्स क्या होते हैं, पहला क्या होता है एक होता है राइबोस, फर्स्ट होता है राइबोस शुगर, और दूसरे क्या होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा, अगर देखा जाता है जो डिफरेंस की बात होती है सिर्फ फाइव कार्बन होते हैं, फाइव कार्बन होते हैं, और फाइव कार्बन होने का सेंस क्या है कि यहां पर जो होते हैं ये जो होता है बेटा वन टू थ्री फोर इसके साथ होता है ये फाइव कार्बन होते हैं CH2HO, ये फाइव कार्बन हो गए, वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन है फाइव कार्बन। अब यहां पर देखा जाता है इसका जो फॉर्मेशन होता है H OH, यहां पर जितने कंडीशन में अगर देखा जाता है ये सभी कैसे होते हैं HOH, इसके साथ साथ HOH ये होता है H, ये होता है फाइव कार्बन का कंपाउंड होता है बेटा, इसे कहते हैं फाइव कार्बन में होते हैं वन टू थ्री फोर और फाइव कार्बन, ये इसे कहते हैं राइबोस शुगर, इसे कहते हैं राइबोस शुगर।
राइबोस शुगर, ये फाइव कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। दूसरा अगर इसी को देखते हैं, इसमें ये डीआरसी राइबोस में बेसिकली इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम इसमें आरएनए का स्टडी करेंगे, आरएनए का। अब डीआरसी राइबोस की अगर देखते हैं तो डीआरसी राइबोस में क्या होता है स्टूडेंट, सेम कंडीशन होता है, ऑक्सीजन से इससे अटैच होता है, फिर इसके साथ ये भी हो जाता है, ये कार्बन यहां भी होता है, ये भी कार्बन होता है, ये भी कार्बन होता है, ये भी कार्बन होता है, और फिर एक CH2H2 ये भी कार्बन होता है। तो यहां पर भी स्टूडेंट देखते हैं ये भी कैसा होता है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। अब यहां पर देखा था स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अब यहां पर एक H और यहां भी होता है H, ये होता है H, यहां होता है OH, ये होता है H, ये भी होता है H और OH। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा कि सारे सिंबल जो होता है सभी मतलब पेंटोस शुगर के फॉर्म में होते हैं, फाइव कार्बन होता है, बट इन केस ऑफ यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकंड नंबर कार्बन पर, और यहाँ पर क्या होता है एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के वो बना रहता है। तो यहाँ पर ये राइबोस शुगर के फॉर्म में होता है, और इसका जो होता है ये क्या होता है डीऑक्सीराइबोज हो जाता है, जो एक हाइड्रोजन कार्बन के रिप्लेस होने से क्या होता है ये राइबोस से डीऑक्सीराइबोज में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से देखा था ये फाइव कार्बन का यह भाग होता है जिसमें क्या होते हैं ये राइबोज होता है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज होता है। अब दूसरा जो होता है बेसिकली इसको देखा था शुगर में, शुगर के बेस में जो न्यूक्लियोटाइड होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड में अगर देखा आता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, बेसिकली क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में अगर देखा आता है न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड में थ्री टाइप्स का कंडीशन होता है। पहला जो होता है अगर देखा था सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, हमने बताया न्यूक्लियोटाइड जो होता है थ्री पार्ट से मिलकर के बना होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है शुगर होता है, शुगर बेस पहला क्या होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या कहते हैं ये न्यूक्लियोटाइड होता है। और हम लोग अभी इसको आगे डिटेल पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड में शुगर नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, इसके साथ ही साथ क्या होता है दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड होता है, दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, ये होता है न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में होता है स्टूडेंट अगर देखा आता है इसके कंडीशन में शुगर होता है शुगर बेस, यहां शुगर की बात होती है सभी फाइव कार्बन कंपाउंड की बात हो रही है, प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। अब यहां पर होता बेटा ये होता है दो, इसका टू फॉर्म में हमने बताया एक न्यूक्लियोटाइड होता है दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोसाइड। अब हम इसी को क्या कर सकते हैं दूसरा इसी के कंडीशन न्यूक्लियोटाइड को अगर हम कर सकते हैं बेसिकली अगर इसके फॉर्म में अगर चेंज सार्ज फॉर्म में देखते हैं क्या होता है न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड ये हो गया बेटा, क्योंकि आप देख लीजिए क्या होता है शुगर होता है इसमें शुगर होता है नाइट्रोजन बेस होता है फास्फोरिक एसिड बनकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, दूसरा न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है शुगर बेस होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में हम क्या कर सकते हैं न्यूक्लियोसाइड हो गया
प्लस फास्फोरिक एसिड, ये दोनों हो गया इसका और ये फास्फोरिक एसिड होगा। तो इस तरीके से इसको फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शुगर में, अगर देखा आता है लेवेनेडेस जिसको किया था, टू टाइप के शुगर बेस किया था हमने, इसको जो जो इसको डिस्कवर किया था, राइबोस शुगर की बात करते हैं पेंटोस शुगर में, तो लेवेने लेवेने डिस्कवर टू टाइप ऑफ शुगर, टू टाइप शुगर प्रेजेंट, ये क्या होते हैं अगर देखा सर, टू टाइप शुगर प्रेजेंट होते हैं पेंटोस शुगर में। लेवेने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिड डिफ्रैक्शन में जो होता है बहुत सारे इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उसके कंडीशन में बताया कि ये कैसे होते हैं, ये टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड में जो होते हैं पेंटोस शुगर, ये टू टाइप के होते हैं, टू टाइप इन न्यूक्लिक एसिड, इन अ न्यूक्लिक, इन अ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड टू टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, पहला होता है राइबोस शुगर, दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, लेवेने ने इसको रिप्रेजेंट किया था, ये राइबोस शुगर होता है, दूसरा डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, जिसमें से एक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरे में क्या होता है हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, इससे क्या होता है राइबोस शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नाइट्रोजन बेस के बारे में, दूसरा देखते हैं क्या होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन बेस देखते हैं, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस को हमने बताया टू टाइप्स का होता है बेटा, पहला होता प्यूरीन बेस, प्यूरीन, दूसरा होता पिरिमिडीन, प्यूरीन में हमने बताया था क्या होते हैं प्यूरीन बेस में एडेनिन होता है, एडेनाइन जिसे ए से क्यूट करते हैं फर्स्ट, दूसरा होता है ग्वानिन, दूसरा होता है ग्वानिन, ग्वानाइन इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड में सभी पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं, जबकि अगर हमने इसको देखा जाता है ये किसमें होते हैं, ये डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी पाया जाता है, ये दोनों में पाए जाते हैं, जबकि पिरिमिडीन की बात करते हैं थ्री टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है थायमिन, थायमाइन, इसके साथ साइटोसिन, इसके साथ यूरेसिल, यूरेसिल भी होता है। अब इसकी कंडीशन क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इसे सी से और इसे यू से। अब ऐसे कंडीशन में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर देखते हैं, बेसिकली अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो टू टाइप्स का कंडीशन होता है यहां पर भी, अगर देखा जाता है स्टूडेंट जो होते हैं, अगर देखा तो एक प्यूरीन होता है प्यूरीन बेस, दूसरा पिरिमिडीन बेस पाइरिमिडीन, इसके साथ एक डीएनए होगा, डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होगा, आरएनए
अब इसमें भी होता है स्टूडेंट, देखते हैं इसके कंडीशन में प्यूरिन बेस क्या होता है, डीएनए में जो होता है प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन में क्या होता है, थायमिन और साइटोसिन। इसके भी जो होता है देखा था, ये एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, इसमें जो होता है थायमिन की जगह पर क्या होता है यूरेसिन हो जाता है, और ये क्या होता है साइटोसिन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो यहां पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इस कंडीशन में डीएनए में जो होता है, डीएनए की कंडीशन में ए नहीं पाया था और आरएनए की कंडीशन में टी नहीं पाया था, तो ये दोनों फैक्टर होता है डीएनए में, ओ सॉरी बेटा सॉरी, ये डीएनए में क्या होता है यूरेसिल एब्सेंट और आरएनए में, आरएनए में क्या होता है थायमिन, थायमिन एब्सेंट होते हैं, ये एब्सेंट होता है। तो ये इस तरीके से इसका जो भाग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं। अब देखा था स्टूडेंट, जो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन में स्टूडेंट देखते हैं बेसिकली इसका जो कार्बन, कार्बन की जो बात होता है कार्बन की, तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, प्यूरिन बेस कैसा होता है, प्यूरिन बेस भी अगर देखा था, प्यूरिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, और इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन बेस देखा जाता है, इन विच नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट, कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 7 and 9 पोजिशन, 1, 3, 7 and 9 पोजिशन पर होते हैं, 9। हम इसी को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं। अब देखा था स्टूडेंट, जो अगर देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, ये हमेशा हमको इसको ध्यान में रखना होता है कि 1, 3, 9, 1, 3, 7 और 9 के पोजीशन में होता है। अब इसका अगर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्यूरिन के लिए, अगर देखा तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, पहला होता है कार्बन, देन होता है इसका नाइट्रोजन, देन होता है इसका फिर कार्बन, देन होता है फिर इसका नाइट्रोजन, देन होता है इसका फिर कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर होता है इसका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ साथ फिर स्टूडेंट होता है इसमें कार्बन, कार्बन के साथ साथ फिर होता है इसका, कार्बन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन,
ये होता है इसमें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो होता है इसमें एक एनएससी का एनएससी कंपाउंड होता है, एनएससी। इसमें अगर देखते हैं एन एस थ्री आ जाएगा, दूसरे के साथ साथ क्या होता है, जहां ये है ये हाइड्रोजन आ गया, ये भी हाइड्रोजन आ जाएगा। दूसरा इसमें जो होता है ये कार्बन कार्बन के बीच जो होता है ये डबल बॉन्ड होता है, ये भी डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ साथ ये भी डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ साथ अगर देखा जाता है ये भी डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। हमने बताया क्या होता है इसे प्यूरिन के कंडीशन में क्या होता है, अगर दो दो चीज पाए जाते हैं, पहला कौन सा होता है एडेनिन, एडेनिन हो गया, ये एडेनिन एडेनाइन। एडेनिन के कंडीशन में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने बताया कि नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजन बेस यहां होता है, दूसरा कंडीशन यहां होता है, तीसरा यहां होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। यहां पर देखिए जो सबसे सबसे पहला है, फर्स्ट इसमें क्या होता है कार्बन पर अमोनिया के करने अमोनिया इसमें होता है, अमोनिया रिप्रेजेंट होता है, अमोनिया होता है। इसके साथ साथ क्या करता है, अब यहां पर देखिए बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके क्या होता है, ये डबल बॉन्ड के कंडीशन होता है जो बैलेंसी को क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। यहाँ पर कार्बन की चार बैलेंसी है कंप्लीट कर रहा है, ये भी जो होता है नाइट्रोजन को अगर देखा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी अगर देखा जाता है इस कंडीशन में भी ये नाइट्रोजन का थ्री पॉजिटिव बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी वन टू यहाँ पर थ्री बार इसका फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ भी कंप्लीट करता है। यहाँ भी अगर नाइट्रोजन का देखा जाता है जो यहाँ भी कंप्लीट करेगा, चार बैलेंसी हमेशा जो होता है यहाँ पर बेसिकली ये बायो मार्केट में आप लोग का पूरा डिटेल स्टडी कराया जाएगा। तो इस कंडीशन जो होता है, ये जो कंडीशन होता है बेसिकली ये वन थ्री सेवन एंड नाइन के पोजिशन पर ये सिचुएट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट्स कि इस कंडीशन में जो प्यूरिन होता है ये डाइसाइक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है। प्यूरिन बेस को हम अगर देखा था, प्यूरिन बेस कैसा होता है, प्यूरिन कैसा होता है डाइसाइक्लिक मैनर में होता है, कैसा होता है डाइसाइक्लिक मैनर में होता है, ये डाइसाइक्लिक इंपॉर्टेंट डाइसाइक्लिक मैनर में होता है, डाइसाइक्लिक मैनर। और पहला पॉइंट जो होता है, दूसरा पॉइंट हमको ध्यान देना है ये कैसा होता है, वन वन जो कार्बन की नाइट्रोजन बेस होता है, वन कार्बन थ्री कार्बन सेवन और नाइन पोजीशन पर इसका सिचुएटेड होता है, वन थ्री सेवन एंड नाइन पर, ये पेंटोस शुगर की बात हो जाती है। अब इसी तरीके से अगर स्टूडेंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा होता है, दूसरा हम बात कर लेते हैं प्यूरिन, प्यूरिन के एडेनिन के साथ साथ हम ग्वानिन की बात करते हैं, ग्वानिन ग्वानिन की बात कर लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन, ग्वानिन इसको क्या होता है स्टूडेंट, सेम यहां पर भी वही कंडीशन होता है। अगर यहां पर भी देखते हैं बेसिकली इसके कंडीशन में सेम ये भी डाइसाइक्लिक होता है, बनाते हैं इसका सी, सेम कंडीशन एन सी एन C C
जीरोस आर एम सी एन ये इस कंडीशन में होता है स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए जो होता है सबसे सेम यही कंडीशन होता है नाइट्रोजन की कंडीशन में देखिए सेम सेम सिचुएशन। दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं अब यहां पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये नाइट्रोजन हो गया नाइट्रोजन बेस हो गया। यहां पर जो डिफरेंस होता है केवल ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या होता है यहां पर डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन यहां से कोरिलेट कर जाता है और बाकी जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे कंडीशन में लगभग सब सेम हो जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन अगर देखा जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन और बेटा सब अटैच है बैलेंस करना है आप लोगों को। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर भी जो होता है ये जो डिफरेंशिएशन होता है यहां पर क्या होता है ये ऑक्सीजन यहां पर रिएक्ट कर जाता है। इसके कंडीशन क्या था ये अमोनिया था। दूसरा क्या था इसके कंडीशन में यहां पर एक अमीनो ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है ग्वानिन में भी ग्वानिन यहां पर जो कंडीशन वही होती है कि नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसा होता है ये इसी कंडीशन में तो 1379 पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सिचुएशन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो कार्बन की जो नाइट्रोजन की कंपाउंड होता है अगर देखा आता है यानी जो नाइट्रोजन बेस होता है वो कैसा होता है ये 1 3 7 8 9 के पोजिशन पर होता है 1 3 7 9 के पोजीशन पर होता है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये दोनों की कंडीशन क्या होता है अगर देखा जाता है प्यूरीन में जो होता है 1 3 7 9 की कंडीशन में होता है जबकि पिरिमिडीन में क्या होता है फर्स्ट और थर्ड के फॉर्म में होता है। यहां पर अगर देखा जाता पिरिमिडीन में तो पिरिमिडीन में कैसा होता है वह फर्स्ट और थर्ड जो नाइट्रोजन बेस होता है वो सिक्स मेंबर होते हैं और सिंगल रिंग में ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जहां पर ये भी कैसा होता है बेसिकली ये भी फर्स्ट और थ्री पर नाइट्रोजन होते हैं पहले पर और थ्री नाइट्रोजन पर होते हैं। इसमें अगर देखा जाता है फर्स्ट और थ्री पर मेंशन होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है स्टूडेंट ये प्यूरीन बेस का होता है प्यूरीन बेस पहला प्यूरीन हो गया दूसरा पिरिमिडीन बेस हो गया। प्यूरीन पिरिमिडीन सॉरी प्यूरीन में क्या होते हैं हमने बताया पहला एडिनिन हो गया दूसरा ग्वानिन हो गया पहला ये कैसे होते हैं 1 3 और 7 9 की पोजीशन पर होते हैं। अब इसके साथ साथ देखते हैं स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका पिरिमिडीन का देख लेते हैं पिरिमिडीन बेस का पिरिमिडीन पिरिमिडीन में देखिए क्या होता है स्टूडेंट पिरिमिडीन बेस पिरिमिडीन में थ्री टाइप का होता है पिरिमिडीन पहला आता है थायमिन जो सबसे पहले क्या होता है इसमें देखा जाता है थायमिन साइटोसिन और यूरेसिन
ये थ्री कंपाउंड इसमें होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब इसमें देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने इसमें बताया कि यह जो होते हैं बेसिकली इसका जो अगर आइडेंटिफिकेशन देखा जाता है, ये फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है फर्स्ट और थर्ड प्रेसिपिटेटेड होता है। अगर देखा जाता है ये फर्स्ट और थर्ड प्रेसिपिटेटेड होता है। अब इसके साथ साथ ये कैसा होता है, ये इस तरीके से फॉर्म होता है, यहां पर कार्बन का भाग होता है, कार्बन ये भी अगर देख जाता है, ये भी देख जाता है, ये भी देख जाता है, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जो होता है फर्स्ट, इसके कंडीशन में यहां पर बेसिकली क्या होता है, इसका देखा जाता है कि फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर इसको होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इस तरीके से इसका ये नाइट्रोजन की कंडीशन पाया जाता है। जैसे हमने देखा जाता है, अगर देखते हैं प्यूरीन बेस का, प्यूरीन में क्या होता है सेम कंडीशन देखा जाता है, थायमिन का अगर हम देखते हैं थायमिन में क्या होता है साइटोसिन एक एन होता है, फिर इसके साथ साथ क्या होता है इसमें कार्बन होता है, कार्बन के साथ साथ अगर देखा जाता है ये भी कार्बन होता है, ये भी कार्बन होता है, और ये क्या होता है ये नाइट्रोजन का बेस पाया जाता है। अब इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड होता है, ये भी डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये इस तरीके से इसका जो फॉर्मेशन होता है ये पाया जाता है। अब यहां पर देखा जाता है इसके कंडीशन में NH2 कार्बन जो होता है, यहां पर देखिए बेसिकली क्या होता है कि NH2 कंडीशन एक इसमें बेसिकली देखा जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, थायमिन के कंडीशन में क्या होता है यहां पर ये डीएनए का जो पार्टिकल होता है इस कंडीशन में भी ये यहां पर बेटा होता है हाइड्रोजन होता है, ये डीएनए का पार्ट होता है, ये होता है बेटा। अगर यहां पर देखा जाता है ये कैसे होते हैं कि इस कंडीशन में कार्बन ये मेथिल का, ये मेथिल कंपाउंड होता है, मेथिल कंपाउंड इस तरीके से एक थायमिन का स्ट्रक्चर बनता है, थायमिन, थायमिन यहां पर क्या होता है बेसिकली अगर देखा होता है कि हमने बताया कि इस कंडीशन में पहला और तीसरा जो होता है फर्स्ट और थ्री पर कार्बन कंपाउंड में क्या होता है नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट और थ्री कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अब इसी साथ साथ क्या होता है दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कंपाउंड में देखते हैं बेसिकली सेकंड कंपाउंड में ये हो गया थायमिन का से, अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो थायमिन के साथ साथ क्या होता है ये बेसिकली इसको डबल बॉन्ड कर लेते हैं, डबल बॉन्ड के साथ ही साथ दूसरा जो होता है इसके कंडीशन में भी क्या होता है ये भी ये देखा जाता है यहां पर जो होता है ये इसका जो फॉर्मेशन हो जाता है डबल बॉन्ड के साथ साथ या भी एक डबल बॉन्ड हो जाता है, और यहां पर बेसिकली ये क्या होता है ये किसका भाग होगा ये यूरेसिल का हो गया, यूरेसिल हो गया, थायमिन हो गया, यूरेसिल हो गया, और दूसरा आ जाता है साइटोसिन की बात कर लेते हैं, सेम कंडीशन साइटोसिन
साइटोसिन में ये होता है, यहां पर भी इसके हम देखें क्या होता है कि साइटोसिन के लिए थायमिन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन में क्या करते हैं कि इसके कंडीशन में NH3 आ जाएगा, अमोनिया ग्रुप हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाता है ये हाइड्रो ये ऑक्सीजन यहां पर अटैच हो जाता है। बाकी जब होता है सारी चीज वैसे ही होते हैं। तो ये देखिए पहले कंडीशन में दो चीज होता है, फर्स्ट में देखिए क्या होता है ऑक्सीजन के कंडीशन में, ऑक्सीजन के कंडीशन में अगर देखा जाता है यहां पर भी जो होता है पहला कंडीशन क्या होता है बेटा कि इस कंडीशन में जो होता है नाइट्रोजन इसमें थायमिन में इसमें मेथिल ग्रुप आ जाता है, इसमें अमोनिया इस तरह आ जाता है, मेथिल ग्रुप अमोनिया आ जाता है और दूसरे में जो यूरेसिल की कंडीशन देखते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ये सेम करते हैं, ये बेसिकली एक यूरेसिल हो गया, दूसरा थायमिन हो गया और ये साइटोसिन हो गया, साइटोसिन। इस तरीके से देखिए जो होता है बेसिकली यहां पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं थायमिन में पिरिमिडीन में थ्री टाइप्स के कंडीशन देखते हैं, थायमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, थायमिन हो गया, साइटोसिन हो गया और यूरेसिल हो गया। तो थ्री कंपाउंड में क्या होता है, पहला हमने दो स्टडी किया था एडेनिन और ग्वानिन का, दूसरा हम लोग क्या स्टडी उसमें जो एडेनिन ग्वानिन का, थर्ड में हमने क्या स्टडी कर लिया थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल की बात करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखा आता है कि यहां पर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये थ्री स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब इसके साथ ही साथ देखते हैं जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोटाइड में क्या कहते हैं, हमने बताया कि न्यूक्लियोटाइड में ये थ्री टाइप्स का कंडीशन होता है न्यूक्लियोटाइड में, वो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं हमने बताया, पहले बताया इसका नाइट्रोजन बेस हो गया, दूसरा हमने बताया राइबोस शुगर हो गया और तीसरा हमने बताया कि राइबोस शुगर के साथ साथ इसका फॉस्फोरिक एसिड की बात कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स इसका बेसिकली इसका जनरल स्टडी हम लोग इसका स्टडी किया है। अब बाकी जो होता है हम लोग नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर आप डीएनए हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर की जो देखा आता है कि इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की कंडीशन नहीं होता है, कभी कभी बना बनाया आता है उसमें कभी कभार पूछा जाता है, तो वो देखना है कि कौन सा डबल बॉन्ड में कौन सा इसमें थायमिन है, मेथिल ग्रुप किसमें लग रहा है या अमोनिया इसमें किसमें लग रहा है, ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करने की कारण। दूसरा चीज इसमें जो ध्यान देने की बात है कि वो क्या होता है किस किस नाइट्रोजन बेस किस किस कार्बन कंपाउंड पर होता है, जैसे कि हमने बताया था पिरिमिडीन पर होता है, पिरिमिडीन की कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर जो होता है 1, 3 और 7, 9 की पोजीशन पर होता है नाइट्रोजन बेस, 1, 3, 7, 9 की पोजीशन पर, जबकि प्यूरिन में क्या होता है 1 और 3 की कंडीशन में होते हैं। तो यहां पर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसी के आधार पर इसको क्या किया था मेंशन किया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो होता है बेसिकली हम लोग इसको स्टडी करते हैं और ध्यान से देखते हैं, तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में इसमें इन्वॉल्व होता है बेटा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़िएगा और जो भी डाउट होता है उसमें आप लोग पूछिए, आप लोग ध्यान से आप ध्यान रहे आज कोई डाउट वगैरह थोड़ा सा आप लोग कम आ रहा है तो थोड़ा सा इसको डाउट को जो पूछने के होता है उसको बढ़ाइए और थोड़ा सा अच्छे से वॉच करिए, थोड़ा सा अगर हो सके बेटा तो आप लोग जितना ही वॉच करेंगे एक बार में ये समझ जाता, दो बार देखिए, दो बार नहीं तो तीन बार देखिए, जितना ज्यादा ज्यादा देखेंगे उतना ही आपका फायदा होता है। तो इसको ज्यादा ज्यादा देखिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंडों में और जो डाउट होता है वो इसको इनबॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तो आज का ये था बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोग मेंशन किए। अब आगे हम लोग इसको फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे। तो यह न्यूक्लिक एसिड में हमने डीएनए का जो मेन आइडेंटिफिकेशन था उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा बेटा। थैंक यू बेटा।